सिमरिया कविता की दुनिया के नक्शे में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले का ये साधारण सा गांव असाधारण महत्व रखता है, क्योंकि इसी मिट्टी से ओज की कविता का एक सूर्य उदय हुआ था, जिसका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जब कविता की धरती पर आए तो भावों के परिंदे जाग उठे, भाषा ने नई शक्ल पाई और धरती की ताकत पुरूर्वा की वाणी में जैसे उसके सर्जक रामधारी सिंह दिनकर का ही परिचय देते हुए गूंज उठी। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। सूर्य पूरब दिशा में उगता है, दिनकर का जन्म भी पूर्वी भारत की धरा पर 23 सितंबर 1908 को सिमरिया के इसी घर में हुआ था। दिनकर के रूप में माता मनरूप देवी और पिता बाबू रवि सिंह को जैसे अपना सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया था। बालक दिनकर ने बचपन में गरीबी का अंधेरा देखा था। पूरे गांव में एक भी पक्का घर नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें और फूस के छप्पर, और रोशनी के नाम पर घरों के आलों में टिमटिमाते मिट्टी के दिए दिनकर की गरीबी के साक्षी थे। लेकिन केवल दिनकर ही इस गरीबी के शिकार नहीं थे, बल्कि उस समय समूचा देश इसकी चपेट में था और अंग्रेजी दास्ता जिसका एकमात्र कारण थी। दिनकर ने अंग्रेजों की गुलामी को भी देखा और उनके अत्याचारों से त्रस्त किसानों के जीवन के अंधकार को भी, उस अंधकार को जिसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की नींव दिनकर के विचारों में पड़ चुकी थी। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कलम से संघर्ष छेड़ने वाले दिनकर का हृदय हमेशा गांव में रहा, उसी गांव में जहां बचपन में उन्होंने गाय भैंस चराई, जहां कुश्ती कसरत कर उनकी देह तगड़ी बनी, जहां वे बारो गांव के मिडिल स्कूल में नंगे पांव जाते और जहां 2 बरस की उम्र में पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। जीवन में दुख और सुख के कई मोड़ आते हैं। 13 साल की उम्र में दिनकर के जीवन में भी एक मोड़ आया जब उनका विवाह श्यामवती देवी से हुआ और वे 2 पुत्रों रामसेवक सिंह और केदारनाथ सिंह तथा 2 पुत्रियों विनता देवी और विभा देवी के पिता बने। उम्र का 20वां साल दिनकर के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी साल पूरे प्रांत में सबसे अधिक अंक लेकर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और भूदेव स्वर्ण पदक भी पाया। उम्र के इसी 20वें बरस में दिनकर के 34 कविता संग्रहों की श्रृंखला का भी श्री गणेश हुआ और विजय संदेश नाम से उनकी पहली कविता पुस्तक छपी। बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की विजय से प्रेरित इस पुस्तक का संदेश पूरे सिमरिया में गूंज उठा। अब साफ होने लगा था कि भविष्य में दिनकर का तेज किसी सीमा में बंधकर नहीं रहेगा। भविष्य में संस्कृति के 4 अध्याय लिखने वाला ये सांस्कृतिक इतिहासकार 24 बरस का होते होते पटना कॉलेज से इतिहास का विशेषज्ञ स्नातक हो चुका था। दिनकर ने ओजस्वी प्रकाश का जो इतिहास कविता में रचा, उसकी पहली पहचान सन 1933 में हुई, जब उन्हें भागलपुर में बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां कविताओं का विषय था हिमालय। वो अक्टूबर के अंतिम दिन थे। दिनकर लालूचक मोहल्ले में अपने एक मित्र के घर ठहरे हुए थे।
उन्हें सोने के लिए बरामदे में जगह मिली, जहां एक नसखट खाट पर वे रात भर जागे और हिमालय पर कविता लिखी, जिसे उन्होंने कवि सम्मेलन में सुनाया। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल। श्रोताओं पर इस कविता का इतना असर हुआ कि दिनकर ने इसे 3-4 बार पढ़ा। इस तरह कवि सम्मेलनों में दिनकर की यात्रा की शुरुआत हुई, जो उन्हें लोकप्रियता के शिखर तक गौरों पर खड़ा क्रांत, सीमा पति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। दिनकर ने भी कविताओं में अपनी ही भाषा शैली को विकसित किया। इस तरह छायावादी व्यक्तिवाद ने द्विवेदी युगीन सामूहिकता को और सजग और संपन्न और पुर असर होते देखा। कल्पना रहस्य के आसमान से सच्चाई की जमीन पर उतर आई और फिर सन 1935 में रेणुका और सन 1939 में हुंकार के प्रकाशन ने इस परिवर्तन पर प्रतिष्ठा की मोहर लगा दी। जब दिनकर का नाम क्रांतिकारी कवियों की श्रेणी में लिया जाने लगा, तब अंग्रेजी सरकार चौंक पड़ी और 4 साल के भीतर 22 बार उनका ट्रांसफर किया गया। सन 1933-34 तक दिनकर को बरवीघा हाई स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। फिर 1934 में उन्हें सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति दी गई, जहां वे 1942 तक रहे। यहां से उन्हें युद्ध प्रचार विभाग में भेज दिया गया, जहां वे 1943 से 1945 तक कार्यरत रहे। भारत की जनता तो गुलामी के अंधेरे का विरोध कर ही रही थी और दिनकर अंधेरे के खिलाफ होता ही है। रेणुका में लिखी दिनकर की क्रांतिकारी कविताओं का स्वर सरकार के कानों तक पहुंचा। सरकार ने रेणुका का अंग्रेजी अनुवाद करवाकर दिनकर से सफाई मांगी। क्या तुमने ही रेणुका लिखा? जी हाँ। सरकार के खिलाफ कविता क्यों लिखा? छपवाने से पहले सरकार का इजाजत क्यों नहीं लिया? इस कारण अनुमति नहीं ली कि मेरा भविष्य साहित्य में है। अनुमति मांगकर किताबें छपवाने से मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। रेणुका की कविताएं सरकार विरोधी नहीं, देशभक्ति पूर्ण है। अगर देशभक्ति अपराध है तो मैं ये बात जान लेना चाहता हूँ। दिनकर ने केवल शरीर से अंग्रेजों की नौकरी की, उनकी आत्मा कविताएं बनकर गुलामी के विरुद्ध गूंजती रही और सत्ता पर कोड़े बरसाती रही। तू वैभव मद में इठलाती, पर किया सी सैन चलाती, री ब्रिटेन की दासी, किसको इन आंखों पर है ललचाती, आहे उठी दीन कृष्ण। दिनकर की कविताएं गुलामी की चुभन के खिलाफ गरजती रही और आजादी की फसल के लिए अपने सिर बोने वाले देश प्रेमियों का अभिनंदन करती रही। दिनकर की कलम ने केवल आजादी के दीवानों की जयकार और ब्रिटिश गुलामी की धिक्कार ही नहीं की, बल्कि उन सामाजिक बुराइयों और पाखंडों को भस्म करने का भी आह्वान किया, जो भारतीय समाज को अंधविश्वास का गुलाम बना रहे। जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप का खंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। दिनकर ने सब कुछ देखा, भारत की जनता पर अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार देखे और उन अत्याचारों का विरोध करने वाले भी देखे। दिनकर की नजर उन किसानों पर भी थी, जिनका उगाया अनाज आदमी की नस नस में लहू बनकर दौड़ता है। जेठ हो की पूज, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे बैल का संग कभी जीवन में ऐसा याम नहीं है, मुख में जीभ शक्ति भुज में, जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहां
सूखी रोटी भी मिलती, दोनों शाम नहीं है। दिनकर की कविताओं में इत्र फुलेल की खुशबू हो या ना हो, सौंधी मिट्टी की महक जरूर है। दिनकर छायावाद के बाद के कवि हैं, बल्कि छायावाद के गर्भ के भीतर से निकले हुए कवि। और दिनकर और बच्चन, ये दोनों लगभग साथ आए थे हिंदी में। इन दोनों लोगों ने हिंदी कविता के भाषा को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। छायावाद की भाषा जो बहुत संस्कृतनिष्ठ, संस्कृत बहुल भाषा थी, उससे बोलचाल की भाषा की अनुमति लेकर इन्होंने एक नए ढंग की काव्य भाषा रचने की कोशिश की, जिसमें उर्दू फारसी के शब्दों से परहेज नहीं था, वो भी थे। और इस तरह से कहूँ कि छायावाद की भाषा जो एक जमी हुई बर्फ़ की तरह भाषा थी, उसको पिघलाया इन्होंने। तो एक कहना चाहिए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल, था ले आए, वो एक पिघलने की स्थिति भाषा की बनी, और इसलिए वो भाषा ज़्यादा दूर तक पहुँचने वाली भाषा सिद्ध हुई। ये बहुत बड़ा योगदान दिनकर और बच्चन दोनों कवियों का है। दोनों अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे, पर बहुत बड़ी भूमिका उनकी है हिंदी कविता की भाषा को बदलने में। दिनकर जी का जो अनुभव का लोक है, वो अपने समय के समाज में जो उद्वेलन हो रहा है, जो अपने समय के समाज में आज़ादी की लहरें उठ रही हैं, उनका चित्रण करना है। इसलिए वह अनुभव उसी तरह की भाषा लेकर आती है, और दिनकर जी को अपने पाठकों तक पहुंचना भी है। इसीलिए उनकी भाषा में एक प्रकार की बड़ी गरिमा भी है और बड़ी सहजता भी है। देखिए, दिनकर जी की भाषा शुरू से अंत तक एक जैसी नहीं रही, उस भाषा में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और मुख्यतः उनकी जो छवि बनी वो उनके संबोधन की शैली से बनी। उन्होंने जानबूझकर ये तय किया था कि वो सामान्य लोगों को संबोधित करेंगे अपनी कविता में। उनका उदय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था, और एक तरह के राष्ट्रीय चेतना के वो वाहक कवि थे। लेकिन उनकी भाषा जो शुरू में है वो उर्वशी तक आते आते बदलती है, और उसके बाद हारे को हरिनाम में फिर और बदल जाती है। तो भाषा के बहुत सारे तेवर एक साथ दिनकर जी में मिल जाएंगे, और ये बात उनकी संवेदना के बारे में भी सच है। उसमें भक्ति भी है, रीति भी है, छायावाद भी है, छायावादोत्तर कविता की भंगिमा भी है, और में नई कविता की अंतर्ध्वनियाँ भी उनके यहाँ सुनी जा सकती हैं। तो उनका वितान काफ़ी लंबा है, चाहे वह आप भाषा की दृष्टि से देखें और चाहे संवेदना की दृष्टि से। अपनी सहज और बुनियादी हिंदी में दिनकर ने अविस्मरणीय शब्द चित्र हिंदी कविता को प्रदान किए, और ऐसी काव्य भाषा का आदर्श प्रस्तुत किया जिसमें कोई कवि केवल कवियों से नहीं बल्कि अकवियों से भी बात कर सके, उनको संबोधित कर सके। सूरज में आग होती है, लेकिन वो विनाश का समर्थक नहीं होता। दिनकर ने दूसरे विश्व युद्ध का गहरा अंधकार देखा था। उन्होंने अपने प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के छंदों में युद्ध और शांति पर गंभीर विमर्श किया। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तप से, सहिष्णुता से, त्याग से, सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। सीधा सपाट संदेश नहीं है कुरुक्षेत्र का, क्योंकि पृष्ठभूमि में है द्वितीय महायुद्ध, और इसलिए दिनकर नहीं कह सकते थे कि दिनकर जी उस समय अंग्रेजी सेना में लोगों की भर्ती कराने के लिए प्रचार का कार्य कर रहे थे। युद्ध कोई नहीं चाहता, शांति के पक्ष में है, लेकिन यदि युद्ध अनिवार्य हो तो उसे टाला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनसे आप पलायन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र का जो संदेश है, युद्ध
अधिकांश लोगों ने कहा, दूसरा महायुद्ध न होता तो अच्छा होता। असल में पृष्ठभूमि है द्वितीय महायुद्ध की, तो द्वितीय महायुद्ध अनिवार्य हो गया था, इसे लड़ना जरूरी था। युद्ध से भाग नहीं सकते हैं, यही मूल संदेश है। अंग्रेजी सत्ता भारतीय नागरिकों का दमन करती रही और दिनकर की कविता आजादी के लिए संघर्ष करने वालों का आह्वान करती रही। आजादी के दीवानों का बलिदान अंततः रंग लाया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। दिनकर ने इस सूर्योदय का श्रेय भारत की जनता को ही दिया। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राज दंड बनने को है, खूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आजादी से पहले भी भारत की जनता दिनकर के हृदय सिंहासन पर आसीन थी और आजादी के बाद भी रही। न अंग्रेज सरकार की नौकरी उन्हें जनता की आवाज बनने से रोक सकी और न ही संसद में राज्यसभा की निर्वाचित सदस्यता। दिनकर 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सांसद रहे और दिल्ली का सच देखते रहे। उस सच को देखकर दिनकर का हृदय व्यथित था कि अंग्रेजी राज में भी जनता बदहाल थी और अपने राज में भी बदहाल है। दिनकर की कविता ने अगर उस समय की दिल्ली पर कोड़े फटकारे थे तो इस समय की दिल्ली पर भी सवालों के अंगारे बरसाए। से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी घर भर क्या पेट बांध कर सोए हो। असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या अनायास जल में बह जाते देखा है। क्या खाएंगे ये सोच निराशा से पागल, बेचारों को नीरव रह जाते देखा है। ऐसा टूटेगा मोह एक दिन के भीतर, इस राग रंग की पूरी बर्बादी होगी। सामाजिक न्याय दिनकर के भाव बोध का आधार था। समाज का सबसे कमजोर और शोषित आदमी दिनकर की नजर में रोशनी और वाणी में हुंकार की तरह मौजूद रहा। दिनकर की रश्मि रथी उनकी वाणी की उस शक्ति का प्रतीक है जिसने हर तरह की विषमता से डट कर लोहा लिया। तो जो स्वाभिमान है कर्ण का, रश्मि रथी में उसके स्वाभिमान की रक्षा की है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्ण सूतपुत्र होते हुए भी यह वरेण्य है, उसमें तेज है और ओज है, उसके गौरव की रक्षा की है दिनकर जी ने, ये महत्वपूर्ण बात है। और एक सवर्ण होते हुए अवर्ण के स्वाभिमान की रक्षा की है। सन 1956 में संस्कृति के 4 अध्याय नामक विशाल ग्रंथ छपा। दुनिया ने देखा कि अंधेरे के विरुद्ध हुंकार भरने वाला कवि भारतीय सामाजिक संस्कृति के इतिहास का विशद विवेचन भी कर सकता है। इस संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर कहना यह चाहते हैं कि यह जो जिस संस्कृति को हम बहुत शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस संस्कृति का विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसकी लंबी यात्रा रही है और ये बहुत सारे मिलावटों के बीच से होकर संस्कृत की धारा बहती है। संस्कृत पर बहुत गहरा चिंतन दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय में हुआ है। तो इसमें खास तौर से दिनकर जी की ध्वनि यह है कि
कि संस्कृत में सहिष्णुता होनी चाहिए। कट्टरता का दिनकर जी विरोध करते हैं। संस्कृत में जब कट्टरता के तत्व आते हैं तो वो संस्कृति नहीं रह जाती, एक तरह की विकृति हो जाती है। संस्कृति के चार अध्याय नाम से उन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के जो चार अध्याय हैं, चार युग हैं, जिसके पीछे बहुत गहरा अध्ययन है और उचित ही साहित्य अकादमी ने उस पुस्तक के लिए उनको सम्मानित किया। और यह भी उल्लेखनीय बात है कि जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदी के शायद ही किसी ग्रंथकार की पुस्तक की भूमिका जो उन्होंने लिखी हो, उन्होंने संस्कृति के चार अध्याय की लंबी भूमिका लिखी है। तो दूसरा पहलू उनका यह है कि उनकी गहरी रुचि और गहरा अध्ययन भारतीय संस्कृति के बारे में। दिनकर की वाणी का अभिनंदन, देश और समाज ने उन्हें विभिन्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उनकी रचना कुरुक्षेत्र को साहित्यकार संसद, काशी नागरी प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने सम्मानित किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान से अलंकृत किया, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. जाकिर हुसैन ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सुशोभित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर मान पत्र प्रदान करके और राजस्थान विद्यापीठ सम्मान देकर दिनकर के यश का और विस्तार किया। उर्वशी, दिनकर की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति जिसके लिए उन्हें साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काम जैसे मनोभाव के महत्व को स्वीकार करने और उसे आध्यात्मिक गरिमा तक पहुंचाने के लिए जिस साहस की जरूरत थी वो दिनकर में मौजूद था। उर्वशी नामक महाग्रंथ में अर्ध नारीश्वर का आशय उन्होंने ऐसे समझाया, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अधूरा है और जिस नारी में पुरुषत्व नहीं वह भी अपूर्ण है। दरअसल दिनकर के व्यक्तित्व में पौरुष की हुंकार थी तो स्त्रीत्व का प्रेम भी। दिनकर जी के संदर्भ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कविता की सार्वजनिकता की पुनर्प्रतिष्ठा की। दूसरी बात दिनकर से सीखने की यह है कि किसी एक शैली या किसी एक दृष्टि पर जड़े रहना या पड़े रहना कविता के लिए ज़रूरी नहीं है, घातक भी हो सकता है। तीसरी बात ये कि परंपरा से भी ऐसा बहुत कुछ लिया जा सकता है जिसके माध्यम से आप आज की हालत, आज की समस्याओं, आज के सरोकारों पर बात कर सकें। इकबाल की तरह पाठकों के रुधिर में आग की तरंगें वे लगातार उठाते रहे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा काव्य सौंदर्य उर्वशी की शक्ल में पहली बार सामने आया था। उर्वशी लिखकर दिनकर ने यह साबित कर दिया कि वो हथौड़े से ही नहीं, छेनी और टांकी से भी काम लेना खूब जानते हैं। ये बात और है कि उस छेनी और टांकी की बारीकी में भी हथौड़े से कम शक्ति नहीं थी। दिनकर के हथौड़े की धार सब जानते हैं, पर कम लोग जानते हैं कि उनके हृदय में फूलों से भी सुकुमार कवि का निवास शुरू से ही था। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से दिनकर का पौरुष एक बार फिर हुंकार उठा। राज्यसभा से सांसद के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1964 में दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने, लेकिन अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने वहां के जातिवादी जमावड़े की उंगलियों पर नाचने से इनकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। बाद में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। दिनकर को तब
दुख के अंधकार का सामना करना पड़ा जब उनके बड़े बेटे राम सेवक सिंह का देहांत हो गया। दिनकर गहरे सदमे में थे, लेकिन हारे नहीं थे। विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। कुरुक्षेत्र और उर्वशी की रचना मेरी असली उपलब्धि नहीं है। मेरी वास्तविक उपलब्धि यह है कि परिवार के शकट को हाफ हाफ कर खींचते हुए मैंने 9 लड़कियों के ब्याह रचवाए हैं। पारिवारिक दायित्वों को निभाने और समाज को दिशा दिखाने के जिस कर्म पथ पर दिनकर चल रहे थे वो कठिन था। अपनी 66 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद दिनकर अस्त होने को था। दिनकर एक काव्य गोष्ठी में भाग लेने तिरुपति पहुंचे। जब वो तिरुपति जा रहे थे तो मैंने कहा, आप तिरुपति क्यों जा रहे हैं? कह लगे, मरने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति को पता था मैं वापस नहीं आऊंगा, और मेरे ख्याल में पहली और अंतिम बार तिरुपति के मंदिर में कविता हुई, कविता पाठ हुआ दिनकर जी का, और आकर जहां उन्होंने रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से भगवान कृष्ण के विराट रूप का पाठ किया। ये दिनकर का अंतिम काव्य पाठ था। तिरुपति में 24 अप्रैल 1974 की रात दिनकर को दिल का दौरा पड़ा और वे भगवान के विराट रूप में समा गए। समय स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी खामोशी में दिनकर गूंज रहे थे। धन्यवाद, मैं सचमुच नहीं मरूंगा। मरण कोट पर चढ़ जीवन की ध्वजा उड़ाकर मैं मृत्युंजय कवि प्रकाश की जय का गान करूंगा। दिनकर का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के बांस घाट पर पंच तत्वों में विलीन हो गया। किंतु उनकी वाणी अमर रही, जिसका प्रकाश भविष्य को आलोकित करता हो, उसका अंत कैसे हो सकता है? मौत दिनकर को मार नहीं सकती, क्योंकि दिनकर कभी अस्त नहीं होता।